नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है गुड लक जेरी। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। गुड लक जेरी एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जो सिद्धार्थ सेन द्वारा निर्देशित है, जिसे पंकज मट्टा द्वारा लिखित और सुभाष करण, अली राजा, आनंद एल राय और महावीर जैन द्वारा निर्मित किया गया है। 2018 तमिल फिल्म की रीमेक कोलाबामू कोकिला, इसमें जानवी कपूर को दीपक डोबरियाल, मीता वरिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह के साथ प्रमुख भूमिकाओं में दिखा गया है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहाँ पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करते हैं। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचते हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते हैं, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी बना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट हो जा होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलती है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है, जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार
की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाती है, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीबन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया माली के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जोड़ी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ परिष्कृत चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगे वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचिजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं असाएं वो जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं।
शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है। हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहां अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरो को मार देते हैं जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक देर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा जेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत जेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झुंझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी बना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मन में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देते हैं और भाग जाते हैं जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं लेकिन जिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और जेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीबन चला रहे हैं एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाते हैं और उसे
मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालाँकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोदिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जोरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचिजन और उसका गिरोह निर्लोभ पदार्थों के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाते हैं, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं असहाय वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देती है, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचते हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा काम सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कहीं दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक दिल छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते, तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह
पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिमी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिमी पहले तो झुंझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मांग लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाली एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है। जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट हो जा होता है लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलती है लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और जेरी को बंदी बना लेते हैं। गुंडू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीबन चला रहे हैं एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने से और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं।
आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी। वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त म्यूचिजन और उसका गिरोह निलोस पदार्थों के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा है वो जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है, जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचते हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए जिद्दी है, क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कहीं दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है, जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते, तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करती है, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी बना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण
की कर दिया। एक दिन जेडी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट हो जा होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और जेरी को बंदी बना लेते हैं। दुंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी। वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह लोस पदार्थों के साथ वहां पहुंचते, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसाएं वो जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां
पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते हैं, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झुंझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मांग लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलती है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दिद्दू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है।
जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्रों में मिनीबन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मालिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके सांचे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्लोज पदार्थों के साथ वहां पहुंचते हैं लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाते हैं लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा वो जोड़ी को जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की ज़रूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्कर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों
मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक देर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाते हैं। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाली एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृति कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करते हैं लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ पुरस्कृत चाहती है। मलिक के आदमी ने
और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी। वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहां पहुंचते हैं लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा है वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की ज़रूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक देर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाते हैं। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास
डॉलर को भी बना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट हो जा होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलती है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और जेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जोरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ परिष्कृत चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके झांसे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित डीलर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा है वो जेरी को मुक्त कर
चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक देर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत जेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करती है, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई है और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है, जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर
की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाती है, जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है, जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के एक हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया माली के फील्ड से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ पुरस्कृत चाहती है। माली के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके सांसे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगे वे तिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचिजन और उसका गिरोह निर्लज पदार्थों के साथ वहाँ पहुँचते, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं आशाएं वो जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचते हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को
कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्कर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक देर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा जेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत जेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मांग लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है, जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन जिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और जेरी को बंदी बना लेते हैं। गंदू दलेर को बुलाता है, जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालाँकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अहवस्त से
अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया माली के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जोरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साँचे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं। ये बात उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहाँ दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित डीलर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निलोज पदार्थों के साथ वहां पहुंचते हैं लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं आशाएं वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की ज़रूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचते हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं भले ही उसे उसमें कहीं दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक दिल छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे
पहले वो वैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिमी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिमी पहले तो झिझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी बना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है। जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करते हैं लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मालिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके सांचे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं। ये बात उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्लोभ पदार्थों के साथ वहां पहुंचते लेकिन फिर भी ये ठीक
आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा है वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की ज़रूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरो को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्कर ने मालिक किडनी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक देर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते, तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिमी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिमी पहले तो झुंझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस
फिट हो जा होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी, और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है, जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है। और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं, और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और जेरी को बंदी बना लेते हैं। दिद्दू दलेर को बुलाता है, जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीबन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके सांसे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहां पहुंचते, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं असहाय वो जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहाँ
पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की बकोजी बेचते हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्कर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मांग लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाली एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है।
जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साँचे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं आशाएं वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती है और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर
बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक तीर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी बना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाली एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है। जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट हो जा होता है लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मलिक के आदमी ने
और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहां पहुंचते लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा वो जोड़ी को जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती है और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झुंझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास
डॉलर को भी मांग लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट हो जा होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है, जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ फ्रिस्कीट चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके सांसे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी। वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां डीलर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित डीलर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही यह पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा है वो जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है,
जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेडी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचते हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्कर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय चेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झुंझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुक्त हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मांग लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते हैं के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत
स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन रिद्दू, जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। गंडू दलेर को बुलाता है, जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ पुरस्कृत चाहती है। मालिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी। वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं, जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित डीलर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह सिलोज पदार्थों के साथ वहां पहुंचता, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा है वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती है और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्र है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को
फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतत घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मोहर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करते, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झुंझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी बना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट हो जा होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलती है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है, जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है, जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनी वैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल
110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया माली के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करता है। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के वजह वो ये सिर्फ भुरिस्कित चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साहसी पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे तिमी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहाँ दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित डीलर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नतीजन और उसका गिरोह निर्लोज पदार्थों के साथ वहां पहुंचते लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं ऐसा है वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं। ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरस्वती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरों को मार देते हैं जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्कर ने मालिक किमी और उसके गुंडों महर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा जेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत जेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे
पहले वो वैसे रखने से इनकार करते लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिमी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिमी पहले तो झुंझोकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मना लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है। जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई थी और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलती है लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों में मारता है। और जेरी का अनुरोध हिले हुए मनमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाती है जिससे वो लोकाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और जेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करने लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के वजह वो ये सिर्फ पुरस्कृत चाहती है। मलिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके साँचे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित डीलर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नचीजन और उसका गिरोह निर्लोभ पदार्थों के साथ वहां पहुंचता है लेकिन फिर भी ये ठीक
आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिमी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति में वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है, जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं आशाएं वो जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है। फिल्म का प्रीमियर 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जहां जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वहां पंकज के साथ एक छोटे से शहर में रह रही है, जहां वो एक वयस्क के रूप में एक समाज पार्लर में काम करती है। उसकी माँ सरवती जीविका के लिए सब्जी की पकौजी बेचती हैं और उसकी बेटी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके विवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शराबी के लिए भावनाओं को समझाते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शराबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वो नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वो वहाँ अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू एक स्थानीय रेपर जेरी का पीछा करते हैं, भले ही उसे उसमें कई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शराबती बीमार हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शराबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चलता है। उसके इलाज को कैमियोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस के ऋण का अनुरोध करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकालते समय वो अनजाने में एक भगोरो को मार देते हैं, जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्वर ने मालिक टिम्मी और उसके गुंडों मर्दन हिंदू सिंह चंडाल और जिगर बाजार के बाहर जेरी का सामना होती है। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा गया था और उसके आदमियों के लिए उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते, तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। वो भयभीत चेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चोरी को एक नस्कर के पैसे के भरा बैग नगद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। उससे पहले वो पैसे रखने से इनकार करती, लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखने हुए उसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वो रात भर सोचती है और अपनी माँ के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाना है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पैसे की खत्म कर जरूरत है। टिम्मी पहले तो झुंझोकता है, लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ मुग्ध हो जाता है। वो जेरी के नौकरी देने के लिए अपने पास डॉलर को भी मांग लेता है। वो उसे राम मालिक के स्वामित्व वाले एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वो एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देते हैं। पैसे का उपयोग शराबती के इलाज के लिए करती है, जैसे उसने बताया है कि उसने मालिक ने ऋण स्वीकृत कर दिया। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को समाज पार्लर में देखता है और नर्वस
फिट हो जा होता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी ने गुंडी के से एक जेरी के इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वो सवार हुई है और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके उद्धार की पहचान का पता लगाता है, लेकिन दोनों में मारता है और जेरी का अनुरोध हिले हुए मदमे में वो टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखते के लिए बारे में बताते हैं और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहाँ जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। वो जब जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर धकेल देती है और भाग जाते हैं, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन दिद्दू जिगर और टिम्मी ने बाकी गुंडों को पहले से ही शराबती और चेरी को बंदी बना लेते हैं। दंदू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताया है कि वो 100 किलोग्राम कोकीन की भाग डिलीवरी के बदले अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है। योजना के हिस्से के रूप में शराबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनीवैन चला रहे हैं, एक गुंडो एक साथ योजना ठीक काम करते हैं लगते हैं तो रिंकू गिरोह का पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करते हैं। आखिरकार वे शराबती को रिश्वत के साथ उठाने देते हैं और उसे मिनीवैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें वो अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शराबती के बीमारी के साझा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुँचते हैं। हालाँकि लेकर दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 110% वास्तविक कोकीन था और सोप नामक था। इस अवस्थ से अवगत कि वो और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ मॉल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे। जेरी ने दलेर को बताया कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। असोधिया मालिक के फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय वो ये सिर्फ बिस्किट चाहती है। मालिक के आदमी ने और जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके सांसे पे आने के लिए प्रताड़ित करते हैं के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आज़ादी को बदले गिरोह पर कब्जा कर लेते हैं। आज़ादी के बदले गिरोह कब्जा करने के बाद मदद मांगी वे टिम्मी को रिश्तेदारों बुलाते हैं जहां दिलेर और इसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। कुदित दिलेर ने कब्जी को जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त नतीजन और उसका गिरोह निर्दोष पदार्थों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दिया जाता है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेते हैं और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया जो मांग करता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तार की स्थिति वो ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा ही ये पता चलता है कि उसका अपना घर है जहां अदालतों के लिए एक अलमारी रखी गई है। दवाएं असहाय वो जेरी को मुक्त कर चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की ज़रूरत है।